नमस्कार मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सब लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बी एल आई टू टू वन की बुकलेट नंबर थ्री का यूनिट नंबर टेन जिसका टाइटल है लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड कंसोट्रिया नेशनल एंड इंटरनेशनल तो फ्रेंड्स जैसे हमने यूनिट नंबर नाइन में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझा था लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में उनकी डेफिनेशन देखने की कोशिश की थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने कौन कौन से इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स हमें चाहिए लाइब्रेरी नेटवर्क्स को बनाने के लिए उनके बारे में हमने चर्चा की थी और अब हम यूनिट नंबर टेन में पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में कितने तरह के लाइब्रेरी नेटवर्क्स या कितने तरह के लाइब्रेरी कंसोट्रियाज बने हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रक्चर पे देखें अगर यूनिट स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हमें देखना है डेवलपमेंट ऑफ़ लाइब्रेरी नेटवर्क्स इन इंडिया इंडिया में जितने भी लाइब्रेरी नेटवर्क्स डेवलप हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट हमें देखना होगा लाइब्रेरी नेटवर्क्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं पहला देखेंगे इन्फ्रिनेट के, के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इनफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क्स अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क एंड देन आफ्टर बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क्स आप ये देखेंगे जितने भी मैंने अभी ये लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे ने में पढ़ा ये सब कुछ कैसे हैं किसी किने से किसी किसी स्पेसिफिक रीजन्स में डेवलप हुए हैं जैसे कलकटा लाइब्रेरी नेटवर्क कलकटा के लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क होगा अहमदाबाद अहमदाबाद लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क उसी तरह से मैसूर बॉम्बे और मद्रास लेकिन जो आप ये देख रहे हैं इन्फ्लिप यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स ये हमारा एक इंडिया का नेशनल नेटवर्क है ठीक है ये इंडिया के नेशनल नेटवर्क्स को डेवलप करता है या फिर जैसे हमारा ये डेलनेट है यानी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क्स, ये भी एक नेशनल नेटवर्क है बट ये जो कैलकटा अहमदाबाद मैसूर ये सारे रीजनल नेटवर्क्स हैं देन आफ्टर उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ इशू रिलेटेड टू लाइब्रेरी नेटवर्क्स लाइब्रेरी नेटवर्क्स को लेकर कुछ इशूज होंगे कुछ कमियाँ होंगे कुछ लिमिटेशन होंगे उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे देन आफ्टर हमारा टॉपिक आएगा टेन पॉइंट फाइव लाइब्रेरी कंसोट्रिया इन इंडिया इंडिया में जितने भी लाइब्रेरी कंसोट्रियाज हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक कंसोट्रिया हमारे पास बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास है फोरम ऑफ रिसर्च शेयरिंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हमारे पास यू UG, जी का एक लाइब्रेरी है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे नेशनल नॉलेज ऑफ रिसर्च सेंटर इनके बारे में पढ़ेंगे आई आई एम के कंसोट्रियाज़ के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हेल्थ हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स इनके बारे में पढ़ेंगे स्पेस नेट कंसोट्रिया ऑफ़ ई रिसोर्स इन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और ई e कंसोट्रिया ये सारे हमारे इंडियन कंसोट्रियाज हैं जैसे हमने यहाँ देखा था लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया इंडिया के लाइब्रेरी नेटवर्क्स और ये टॉपिक हमारा लाइब्रेरी कंसोट के बारे में अब हम इसके बाद जब इंडियन सिनेरियो को समझ चुके होंगे देख चुके होंगे तब हम उसके बाद आगे शिफ्ट करेंगे अपने आप को 10.6 पॉइंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स यानी इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे कितने लाइब्रेरी नेटवर्क्स बने हैं मतलब ये जो जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एक नेटवर्क होगा ठीक है मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें से कुछ प्रोमिनेंट लाइब्रेरीज़ आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो उनको हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी नेटवर्क्स इंटरनेशनल वाले टॉपिक में जिसमें सबसे पहले हमें देखना होगा ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर्स ठीक है ओ सी एल सी इनको जानते हैं रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप्स जे एस आई सी ज्वाइंट अकेडमी नेटवर्क चाइना अकेडमी लाइब्रेरी नेटवर्क एंड सिस्टम ये इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क हैं एंड देन आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी कंसोट्रियाज के बारे में जो इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोटियाज हैं जैसे हमने यहाँ पे इंडियन लाइब्रेरी कंसोटियाज के बारे में पढ़ा था वैसे हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी नेटवर्क कंसोटिया इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग मेन देखेंगे कंसोट्रीम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन एलूमिनियस नेक्स्ट है कंसोट्रियम ऑफ कोर इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इन ताइवान साउथ अफ्रीका नेशनल लाइब्रेरी इंफॉमेशन कंसोट्रियम कंसोट्रियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज़ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज़ एंड इंटरनेशनल ेशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टियाज इनके बारे में पढ़ेंगे और तब जाके ये चीज़ें हमारी कंप्लीट होंगी यानी यूनिट नंबर टेन में थोड़ा सा हमें ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा चीज़ें मेहनत करनी पड़ेंगी तो फ्रेंड्स इस यूनिट को पढ़ने का तरीका कैसे है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफ़िक डिमांड करता है ज़्यादा नॉलेज की और ज़्यादा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन की तो ये वीडियो हमारी पार्ट्स में डिवाइड होने वाली हैं यानी हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मैं कोशिश करूँगा टू या थ्री पार्ट्स में इनको डिवाइड करके जैसे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इंडिया और लाइब्रेरी कंसोट्रियाज इन इंडिया ठीक है जैसे या जो मेरी पहली वीडियो होगी वो सिर्फ लाइब्रेरी कंसोटियाज़ इन इंडिया के बारे में होगी हम लोग इनको पूरी अच्छे से डिटेल्स से सारे इम्फ्लिप नेट डेल नेट कलकटा लाइब्रेरी नेटवर्क अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क इन सब लोग को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम लोग लाइब्रेरी कंसोट्रियाज इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी जिसका जो टाइटल होगा लाइब्रेरी नेटवर्क्स इंटरनेशनल के बारे में एंड देन एक फोर्थ वीडियो बनेगी लाइब्रेरी कंसोटिया इंटरनेशनल तो फ्रेंड्स हम लोग यूनिट नंबर टेन को चार वीडियोस में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी और बहुत स्पेसिफिक स्टडी कर सकें तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस टॉपिक में इस वीडियो में अपना पहला जो टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी कंसोटियाज़ इन इंडिया इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप डिफाइन uh, याद करना चाहते हैं फिर से डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आ, इंडिया में एक नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस बना था एन इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसने एक प्रोग्राम चलाया था नेशनल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स जो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में और यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी थी लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में या नेटवर्क के बारे में और इन्होंने क्या बताया ये देखिए टू और मोर लाइब्रेरीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन कॉमन पैटर्न ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज थ्रो कम्युनिकेशन फॉर सम इन्फॉर्मेशन या इन फंक्शनल पर्पज अ नेटवर्क यूजली कंसिड्स ऑफ फॉर्मल अरेंजमेंट वेयर बाई मटीरियल्स इंफॉमेसन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई द वैराइटी ऑफ लाइब्रेरीज एंड अदर ऑर्गनाइजेशन आर अवेलेबल टू ऑल पोटेंशियल यूजर्स ये है हमारा लाइब्रेरी नेटवर्कस का एक बेसिक डिफिनेशन जो हमने चैप्टर नंबर नाइन यानी यूनिट नंबर नाइन में भी एक बार बहुत अच्छे से देखी थी जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ यूनिट नंबर नाइन की वीडियो देखें ताकि आपको लाइब्रेरी नेटवर्क्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आए और तब जाके हम लोग आज ये जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं लाइब्रेरी नेटवर्क्स का यानी ये प्रैक्टिकल वीडियो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि आज की वीडियो प्रैक्टिकल है और हमने जो यूनिट नंबर नाइन की वीडियो बनाई है वो एक थियोरटिकल वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.2 डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स इन इंडिया इसमें से पहला अगर हम लोग देखें तो कुछ लाइब्रेरी नेटवर्क्स कैसे बने या किस तरह से हमारे इंडिया में डेवलप हुए जैसे आपको पता होगा नाइनटीन में टेली का क्या हुआ था बूम आया था यानी इंडिया में या मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में टेली जैसी चीज़ें या नेटवर्क बनानी जैसी चीज़ें या मैं कहूँ इंटरनेट जो था वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और हमारे इंडिया में जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थी उसने भी पहल की चीज़ों को अच्छे से डेवलप करने के लिए उसी क्रम में हमारे पास कुछ नई चीज़ें आई जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर एन ठीक है ये एन 1975 में बना था और इसी एन ने ये आपने एन आई के अंडर यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स को डेवलप करने का प्रयास किया गया जो हमारे सामने आज हमें देखने को मिलते हैं जैसे हमने देखा था यहाँ पर अहमदाबाद नेटवर्क ए डी नेट ठीक है इसका शॉर्ट फॉर्म है अहमदाबाद लाइव नेटवर्क का बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क का बॉन नेट हम लोग बोनेट या कर सकते हैं प्रोनाशिएशन इसका कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क कैबलिप नेट डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क डेल नेट मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क एम वाई एल आई बी एन नेट इसको मेबलिट भी बोल सकते हैं बेंगलोर लाइब्रेरी नेटवर्क बेल नेट और पूना लाइब्रेरी नेटवर्क पुनेट ठीक है कुछ इस तरह से लोकल लाइब्रेरी नेटवर्क्स हमारे पास डेवलपमेंट में है जब इंडिया बहुत इनिशियल स्टेज में था अपनी टेलीकॉम कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ को लेकर उस समय की बात हम लोग ये कर रहे हैं ओके okay, और धीरे धीरे फिर हमने एक नेशनल नेटवर्क भी बनाना स्टार्ट किया जिसका नाम था इनफ्लिप ये 1988 में स्टार्ट हुआ था इसका फंक्शनिंग करना और ये नेशन वाइड नेटवर्क है ठीक है ये जो हमारा नेटवर्क है ये नेशन वाइड यानी ये ऑल ओवर इंडिया में ठीक है अपनी सर्विस देता है और जैसे अभी हमने ये ऊपर देखा बॉम नेट डेली नेटवर्क कैलकटा अहमदाबाद मैसूर बेंगलोर पुणे ये सारे रीजनल नेटवर्कस हैं ठीक है यानी पुणे की नेटवर्कस पुणे का लाइब्रेरी का नेटवर्क्स पूना लाइब्रेरी नेटवर्क बॉम्बे की लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क्स इसी तरह जो हमने नेशन वाइड बनाया उसका नाम दिया था हमने इन्फ्लनेट और इन्फ्लिपनेट बना था किसके अंडर में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एग्ज़ाम्स में बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में या आपके जब एग्ज़ाम्स में आता है लिखने के लिए बी लिप में या एम एमलिप में कभी आप लिखेंगे आंसर राइटिंग करना तो अगर आपसे इन्फ्लनेट के बारे में पूछा जाए तो आप ये सब जानकारी आप उनको दीजिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने या उनकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये इनिशिएटिव लेकर चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट की थी चलिए फ्रेंड्स अब देखिए आप एक के पास एक टेबल दिया होगा आपकी बुकलेट में क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स हमारे पास कुछ क्रोनोलॉजी है मतलब कहाँ से किस तरह से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई आप यहाँ देखेंगे स्टार्ट करेंगे 1977 फिर 98 88 92 एट यहाँ से ऐसे कुछ डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुए थे हमारे जैसे सबसे पहले एन जो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर था उसने बनाया था एन नेट ठीक है नेशनल इन्फॉमेसन सेंटर लाइब्रेरी नेटवर्क्स उसके बाद कलकत्ता में सबसे पहले लाइब्रेरी नेटवर्क स्टार्ट हुआ ये किसने बनाया था निसेट यहाँ पे आपको इसका ये डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगी ठीक है ये इन्होंने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स ने इनको बनाया था नेक्स्ट है इन्फ्लिप यूजीसी यू ने बनाया डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क निसेट फिर से अगेन फिर यहाँ पे अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क यहाँ पे चेन्नई यहाँ पे मैसूर और बैंगलोर ये इस तरह से नेटवर्क्स बनना स्टार्ट हुए और आपको यहाँ पे जो सपोर्टेड बाय लिखा है ये आपको बताता है कि ये लाइब्रेरी नेटवर्क्स किसके सपोर्ट से या किसकी हेल्प से बनाए गए थे ठीक है तो आप इनको समराइज तो नहीं बट हाँ एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिए और याद रखिए क्रोनोलॉजी कभी कभी हो सकता है पूछ लेता है आपसे एग्ज़ाम्स में कि सबसे पहले जो हमारा सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क था वो कौन सा था तो आपको याद होना चाहिए ये था एन नेट यानी नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर लाइब्रेरी नेटवर्क ठीक है ये क्यों हुआ क्योंकि ड्यू टू द ग्रूम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आई टी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया था और उसी बूम को या उसी को जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी उसका इस्तेमाल करके हमने इतने सारे नेटवर्कस को क्रिएट किया या डेवलप किया तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग का जो टॉपिक है डिटेल स्टडी है ठीक है अब हम लोग एक एक लाइब्रेरी नेटवर्क्स को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग का पास टॉपिक आएगा वो है इनफ्लिवनेट यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क Inflimnet was set up by the university grant commission in india 1991 initially it was started by the project under the inter-university centre for astronomy and astrophysics iucaa to be converted later it fully supports pledge by program of ugc its headquarters are located in gujarat university campus ahmedabad तो so फ्रेंड्स हमने देखा कि जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स है वो कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ किसने स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया इन्फ्लनेट ने ठीक है मतलब जो इन्फ्लिपनेट आया था वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे यू ने स्टार्ट किया था नाइनटीन में और ये पहले एक इंटर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर एस्ट्रोनॉमी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जाना जाता था और इसका जो हडक्वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वाटर इसका यूनिवर्सिटी कैम मतलब गुजरात के जो यूनिवर्सिटी है गुजरात कैंपस गुजरात यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है अहमदाबाद में उसका है तो इम का हेडक्वाटर इम्फिलिम का हेडक्वाटर है गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस अहमदाबाद में ओके नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इफ्लमेट हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इंफ्लीमेंट को बनाने का पहला है टू प्रमोट एंड एस्टेब्लिशमेंट कमीशन फैसिलिटी टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड एक्सेस द प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ स्कॉलरशिप लर्निंग रिसर्च एकेडमिक्स प्रस्यूट थ्रो कॉम्परेटिव एंड इम्प्लीमेंटिव ऑफ एजेंसीज एंड कंसर्न तो सबसे पहले हमारा क्या है प्रमोट करना एस्टेब्लिशमेंट यानी नेटवर्क्स को बनाना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना इसका सब बेसिक्स सा पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था नेक्स्ट है हमारा टू एस्टेब्लिश अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लिंकिंग लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंटरकनेक्ट करना आपस में लिंक करना ताकि यूनिवर्सिटीज़ आपस में बहुत अच्छे से कोलाबरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉमेशन अपने रीडर्स को स्टूडेंट्स को रिसर्च स्कॉलर्स तक पहुँचा सके ठीक है ये से कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी इन्फ्लिपनेट के ऑब्जेक्टिव्स ओके okay, और आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ डिटेल्स इन्वेस्टर की सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना ने लाइब्रेरी नेटवर्क्स को बनाना कुछ थीसीज और जो भी हमारे पास लिखे जाते हैं उनके बारे में लोगों को फैलाना नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट एकेडमिक कम्युनिकेशन ठीक है हमारे एकेडमिक्स जो कम्युनिकेशन होते हैं मतलब जो प्रोफेसर professor, प्रोफेसर्स के बीच में साइंटिस्ट साइंटिस्ट के बीच में रिसर्चर्स के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है यानी एकेडमिक्स कम्युनिकेशन को एनहांस करना इन्लाज करना ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करके चीज़ों को बेहतर कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकें ठीक है ये ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है टू अंडरटेक सिस्टम डिज़ाइन एंड स्टडीज़ फॉर फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन के फील्ड में स्टडीज़ करने वाले हैं जैसे जो डाटा कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं जो डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में उनको प्रमोट करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ, कम्युनिकेट कर पाएँ लोगों के साथ एंगेज हो सकें जिससे ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर हो पाए टू एस्टेब्लिशमेंट अप्रोप्रेट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड ऑर्गनाइज मेंटेनेंस ये सिंपल सी बात है ये कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम को इन्हांस करने के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे टू कोलाबरेट विद इंडस्ट्रीज ठीक है इंडस्ट्रीज के साथ कोलाबरेट करके या लाइब्रेरी के साथ कोलाबरेट करके इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ कोलाबरेट करके क्या करना इंडियन अब्रॉड फील्ड रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द सेंटर्स हमारे जो भी इंडस्ट्रीज uh, इंगेज हो रखी हैं रिसर्च में है ना पब्लिशिंग्स uh, में बुक पब्लिशिंग में या डाटा हैंडलिंग में उन लोग के साथ कोलेबरेट करके रिसोर्स को या जो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी हमारी जो ये इन्फिलनेट ऑर्गेनाइजेशन है वो डेडिकेटेड है अपने काम को करने के लिए टू जनरेट रेवेन्यू फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो प्रोवाइडर हैं उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का भी ऑब्जेक्टिव इन्फिलनेट uh, ने ले रखा है टू डू ऑल अदर सच थिंग्स मे बी नेसेसरी इंडिकेट और कंक्लिटिव ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स जो भी और भी अदर इन्फॉर्मेशनस हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने की या रिसोर्स को शेयर करने की है वो अगर आप कहीं देखें तो वो इन्फिलेट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखा हमने देखा इन्फ्लैट के बारे में इन्फ्लनेट क्या था एक नेशनल नेटवर्क है इंडिया में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बनाया गुजरात के हेडक्वार्टर में गुजरात में जो यूनिवर्सिटी है गुजरात यूनिवर्सिटी उसके अहमदाबाद में इसका हेडकोर्टर है और अभी हमने कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे तो अगर आपसे यूनिवर्सिटी में कभी एग्ज़ाम में इन्फ्लैट के बारे में पूछा जाता है तो आप ये चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है हमारी इन्फ्लमेट क्या करती है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज़ डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर्ट करने का काम कौन करेगी हमारी इन्फ्लमनेट करेगी क्योंकि नेटवर्किंग ही बनाई गई है इसीलिए ताकि डॉक्यूमेंट्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सके ठीक है नेक्स्ट इसका सर्विस है हमारे पास ओ जे एस यानी ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम यानी इन्फ्लमनेट ने जितने भी हमारे जर्नल्स होते हैं मतलब जितने भी हमारी मैगजीन्स पीरियडिकल्स ये जो हमारे पास आते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करना मतलब एक्सेस देना ओपन एक्सेस देना मतलब यूनिवर्सिटीज़ पब्लिशर्स जो हमारे पब्लिश कर रहे हैं मैगजीन्स को जर्नल्स को उनसे कंसल्ट करके उनको कुछ रॉयल्टीज़ प्रोवाइड करके ये जर्नल्स अपने पास एक्सेस कर लेती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना क्योंकि बहुत महंगे जर्नल्स होते हैं बहुत कॉस्टफुली होते हैं अगर सभी लाइब्रेरीज़ ख़रीदने लग जाएंगी तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस बहुत ज़्यादा बजट लाइब्रेरीज़ का बढ़ जाएगा और रिसर्चर्स स्कॉलर्स को ये जर्नल्स और ये पीरियडिकल्स बहुत ज़रूरत होती है उनकी क्योंकि उसमें बहुत आ, मतलब प्रोमिनेंट डाटा और बहुत इन्फॉर्मेटिव डाटा आ, ये जर्नल्स कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं तो उनका एक्सेस देना ओपन एक्सेस देना मतलब फ्री ऑफ एक्सेस देना ठीक है इसी की एक सर्विस है ओ नेक्स्ट है इसकी सर्विस लाइब्रेरी ऑटोमेशन ठीक है इन्फ्लिमेंट लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में बात करती है ऑटोमेशन का मतलब होता है जब कोई काम खुद से हो है ना कोई चीज़ें जल्दी से अपने आप से होने लग जाए उसके लिए हम लोग ऑटोमेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं मतलब बेसिकली कंप्यूटराइज चीज़ें हों जहाँ पे चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं उसके लिए हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेशन के लिए बोलते हैं तो लाइब्रेरीज़ को ऑटोमेट ऑटोमेशन में डालने के लिए या ऑटोमेटिक बनाने के लिए इन्फ्लूनेट भी काम कर रही है इसने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है सोल सॉफ्टवेयर इसका फुल फॉर्म है सोल सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ ये डेडिकेटेड एक लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ का सॉफ्टवेयर है जो इन्फ्लू ने बनाया है ताकि लोगों या इन जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ हैं वो आपस में एक यूनिटी की तरह काम कर सकें और रिसोर्स को शेयर करने में आसानी हो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइब्रेरी साइंस में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए मतलब लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे अपडेट देने के लिए इन्फ्लूनेट काम कर रहा है रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स को यानी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन के जो लाइब्रेरीज़ में स्टाफ लगे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ठीक है नेक्स्ट है इसका डाटा बेस बनाना मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत बड़े बड़े डाटाज होते हैं उनको आपस में कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करना ताकि अगर किसी को भी किसी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है इसी क्रम में इसने दो चीज़ें बहुत अच्छी डेवलप की हैं एक है शोध गंगा और एक है शोध गंगोत्री ठीक है ये आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो पी कर रहे होते हैं ठीक है उनको बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो अपने डाटा अपने टॉपिक्स पे अपने थीसिस पे बहुत ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायरमेंट होती है तो शोध गंगा और शोध सिंधु या शोध गंगोत्री ने या ये जो लाइब्रेरी साइंस में इन्फ्लिमनेट के जो डाटा बेस सर्विसेज हैं उन्होंने क्या किया है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स की थीसिस होती हैं जो कर रहे होते हैं उनकी सारी डिटेल्स या और सारी थीसिस की जो भी डिटेल्स होती हैं वो अपने इन दो सर्वर्स पे शोध गंगा पे और शोध सिंधु पे डाल देते हैं और जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक पे क्या रिसर्च हो रही है क्या डेवलपमेंट हो चुका है उनके बारे में तो वो रिसर्च स्कॉलर्स वो पीएचडी स्कॉलर्स जाके शोध गंगा या शोध गंगा या शोध सिंधु पे जाकर डाटा वहाँ से ले सकते हैं ठीक है तो ये कुछ हमारे सर्विसेज थी ठीक है सर्विस प्रोवाइड कर रही है इनफ्लूनेंट हमारे लिए अगर हम लोग देखें कि नॉन बिब्लोग्राफिक सर्विसेज अभी जो अभी तक जो हमने यहाँ पे सर्विसेज देखी ये बिब्लोग्राफिक सर्विसेज थी जो डाटा बेस हमने बनाया था वो बिब्लोग्राफिक था अगर हम लोग नॉन बिब्लोग्राफिक में देखें तो ये लोग हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इट हैज़ आल्सो डेवलपमेंट ऑफ नॉन बिब्लिक डाटा बेस ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एक्स एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड ऑफ नाम विद्वान टू हेल्प द इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन इन रिसर्च तो विद्वान नाम से इन्होंने एक बिब्लोग्राफिक डाटा बनाया है जिसमें इन लोगों ने इन कम्युनिकेशन्स को मतलब जो बहुत रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सके उसके लिए इन्होंने ये काम करना स्टार्ट किए हैं ठीक है कुछ इनके प्रोग्राम्स हैं ठीक है लाइब्रेरी इनफिलनेट कुछ अच्छे प्रोग्राम चला रही है जैसे कि एन एल आई एस टी एस नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कॉन्टेंट है ना ये एक एक तरह का प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने अंडर में चलाती है ये बेसिकली आपको डिजिटली लिटरेसी लिटरेट करने के लिए ताकि ताकि ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन uh, या कम्प्यूटर इंटरनेट इन, और इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो सकें उसके लिए ये एक प्रोग्राम चलाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब फील्ड में उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों पे अपना आपको फोकस uh, कर सकें ये इनका काम है क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं इसके लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स को जैसे आई आई टीज़ आई आई एम्स है ना इन लोगों को ये लोग कनेक्ट करते कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि रिसर्च डेवलपमेंट कम्युनिकेशन रिसोर्स शेयरिंग ये सारे काम बहुत अच्छे से किए जा सकें इसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मतलब इन्फ्लिमनेट जो है वो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चला रही है जैसे अभी है ई e पाठशाला ठीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए के अंडर में एक ई पाठशाला नाम से ये प्रोग्राम चला रही है जहाँ पे ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट बुक्स हैं एन और एन के जितने भी बुक्स ये लोग रिकमेंड करते हैं उन सब का एक बहुत बड़ा डाटा बेस बना रही है ठीक है फाइन आर्ट्स की ह्यूमिनिटीज़ के लिए नेचुरल मैथमेटिक्स साइंस लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेजेस मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये डाटा को ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है यू जी सी ई जनरल कंसोट्रिया ठीक है इन्होंने एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से एक ई जनरल कंसोट्रिया बनाया है मतलब जितने भी जर्नल्स हमारे पब्लिश होते हैं ठीक है ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड वर्ल्ड के कुछ अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं उनको भी ये लोग कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका एक बड़ा सा डाटा बेस बना के लोगों को बेनिफिट किया जा सके ठीक है तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा इन्फ्लिपनेट के बारे में अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब कुछ इन्फ्लम के बारे में था उसकी कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलती हैं कैसे काम करता है क्या क्या प्रोग्राम चला रहा है ठीक है अब नेक्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेली लाइब्रेरी नेटवर्क सॉरी डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स एक्चुअली डेवलपमेंट डेली डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्कस को पहले डेली लाइब्रेरी नेटवर्कस के बारे ज, के जैसे जाना जाता था जैसे आप यहाँ पे देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है डेल नेट वॉज औरिजिनली एस्टेब्लिश एज डेली लाइब्रेरी नेटवर्क एंड सब्सिक्वेंटली द नेम वॉज चेंज बाई डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क द हेडकोर्टर ऑफ डेली डेल नेट इज़ न्यू डेली तो पहले इसको हम लोग डेली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानते थे और अब इसका नाम चेंज करके डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क रख दिया गया ये भी एक तरह का नेशनल uh, लेवल का लाइब्रेरी नेटवर्क है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये चलता है इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या हैं टू प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग ठीक है sharing, जैसे हमारा इंफ्लूबनेट का था वैसे इसका भी है रिसोर्स को शेयर uh, करना ठीक है साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको लोगों तक पहुँचाना ठीक है टू ऑफर टेक्निकल गाइडेंस ठीक है मेम्बर लाइब जो भी हमारे लाइब्रेरियंस हैं या लाइब्रेरी मेबर्स जुड़े हुए हैं उनको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कराना ठीक है कोऑर्डिनेट करना कोऑर्डिनेट विद द सुटेबल कलेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट जो भी हमारे लोगों लोग हैं मतलब कि बहुत सारे इन फील्ड में लगे हुए लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनका एक कलेक्शन करना और डेवलपमेंट करना उनके उनको ट्रेनिंग करना उनकी इंफॉर्मेशन uh, प्रोवाइड करना कुछ ऐसे डाटा बेस को बनाना जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे यहाँ पे देखिए टू डेवलप स्पेसिफ़िक बेबलोग्राफिक डाटा बेस ऑफ बुक सीरियल्स एंड नॉन बुक मटेरियल्स तो कुछ ऐसे बुक uh, मटेरियल्स या नॉन बुक मटेरियल्स का डाटा बेस बनाना ये डेली लाइब्रेरी नेटवर्क का एक एक तरह का काम है या ऑब्जेक्टिव है ठीक है तो कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि डेली लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में या डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में कुछ लिखिए तो आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर इसके ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं ठीक है इसे कुछ क्या सर्विसेज हैं डेली डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क के जैसे ये इंटर लाइब्रेरी लोन ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है ठीक है अगर किसी लाइब्रेरियंस को एक दूसरे लाइब्रेरियंस के बुक एक्सचेंज करनी है तो ये ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड कराती है एक दूसरे के लाइब्रेरियन के साथ हम लोग ऑनलाइन डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है ठीक कर है डेलनेट हैज़ अ रेफरेंस सेंटर दैट प्रोवाइड रेफरेंस सर्विसेज़ टू पार्टिसिपेंट लाइब्रेरियंस लाइब्रेरियंस के लिए रेफरेंस uh, सर्विस भी प्रोवाइड कराती है ये ऑनलाइन डाटा बेस बनाती है अपना ठीक है बहुत सारे जैसे इन्होंने यूनियन कैटलॉग बनाए हैं बुक्स के इतने सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी लैख रिकॉर्ड्स इन्होंने अभी तक डेवलपमेंट कर चुके हैं यूनियन लिस्ट ऑफ़ करंट पेडिकल्स करंट जो पेडिकल जितने भी आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाना यूनियन कैटलॉगिंग करना पिरोडिकल्स की ठीक है डाटा बेस ऑफ आर्टिकल्स इन सब का सी डी रोम डाटा बेस बनाना यूनियन लिस्ट ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सिक्स थाउजेंड रिकॉर्ड्स ठीक है इन्होंने बस इतने सारे मतलब जो भी डाटा है इनका डाटा बनाना है ऑनलाइन डाटा बेस बनाना है इनका एक ऑब्जेक्टिव है या इनकी एक सर्विस है नेक्स्ट इनकी सर्विस है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना ठीक है लोगों को ट्रेन करना चीज़ों के बारे में कॉन्फ्रेंसिस कराना लेक्चर कराना वर्कशॉप कराना ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है ठीक है ताकि लोगों को बारे में इनके इस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें न्यूज़लेटर्स प्रोवाइड कराना ठीक है रिसर्च करवाना इन फील्ड में ये हमारा कुछ काम है किसका डेली लाइब्रेरी नेटवर्क्स का ठीक है तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे डेली लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में हमने देखा हमने इससे पहले इन्फ्लू के बारे में देखा था और यहाँ पर हमने देखा डेली लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में नेक्स्ट है कैलकटा लाइब्रेरी नेटवर्क ये एक रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क है कहाँ पे चलेगा सिर्फ कलकटा में चलेगा और किस कहाँ की, की लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क बनाया गया होगा यहाँ पे सिर्फ कलकटा की लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क बनाया होगा याद रखने के लिए या एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैबलीनेट कब बना था ये एक एम एगेज एज अ मेट्रोपोलिटन लाइब्रेरी नेटवर्क इन 1993 लिंकिंग 38 लाइब्रेरीज़ इन कलकटा 33 लाइब्रेरीज़ को मिलाकर जो जलकटा की लाइब्रेरीज़ थी उनको मिलाकर एक ये लाइब्रेरी नेटवर्क बनाया गया था ठीक है मेनली ये फंक्शन कैलकटा में कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कैलकटा में जो भी लाइब्रेरीज़ हैं उनको आपस में एंगेज करना Uh, उनका कैटलॉगिंग बनाना एक ही यूनियन कैटलॉग बनाना एक ही तरह की रिसोर्स uh, को आपस में शेयर करना इंफॉर्मेशन को शेयर करना ठीक है रेफरेंस सर्विस देना ये सब इनके ऑब्जेक्टिव रहे होंगे सर्विसेज कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए होंगे इन्होंने ठीक है जैसे यहाँ पे संजुकता एक नाम का एक सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया था और एक है पर आ, पारा पर, ठीक है ये किए इन्होंने लाइब्रेरी नेटवर्क मतलब लाइब्रेरी में लोगों को इंगेज करने के लिए या वहाँ पे उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ताकि चीज़ें बहुत आसानी से और इजीली कम्युनिकेट हो सकें इन्होंने दो लाइब्रेरी नेटवर्क्स बनाए थे या सॉफ्टवेयर बनाए थे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना ठीक है सेलेक्टिव डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी लोग रिसोर्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स डेवलपमेंट ये प्रोवाइड कराना तो ठीक है ये इनका बेसिक फंक्शन है लाइब्रेरी नेटवर्कस का बहुत कम आता है जैसे रीजनल बहुत कम आएंगे आपसे नेशनल ही ज़्यादा पूछे जाएंगे जैसे नेक्स्ट है हमारे पास अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क अब ये अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क क्या करेगा सिर्फ अहमदाबाद के रीजनस को कनेक्ट करेगा मतलब वहाँ की लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा जैसे अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क में इन्फ्लू नेट का भी जो अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क है वो इसी का इन्फ्लू का ही देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ए डी आई एन नेट वॉज एस्टैब्लिश फॉर डेवलपिंग कॉपोरेन बोर्ड ऑफ वर्किंग अमंग लाइब्रेरीज़ एंडफॉर्मेशन सेंटर अराउंड द अहमदाबाद अहमदाबाद की जितनी लाइब्रेरी नेटवर्क थे उनको काम करने के लिए इस लाइब्रेरी नेटवर्क का डेवलपमेंट किया गया था नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव भी लगभग लगभग वैसे ही होंगे जैसे हमारे जो भी रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क्स के हैं यूनियन कैटलॉग बनाना कोऑर्डिनेट करना ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना टीचर्स को स्टाफ्स को ठीक है ये सारे इसके सर्विस भी कुछ ऐसी होंगी रीजनल लेवल पे डाटा बेस बनाना और ये सब करना नेक्स्ट है मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क भी मैसूर की लाइब्रेरीज़ का कोलाइब्रेशन होगा ठीक है यहाँ पे देखिए एक डाटा इन्फॉर्मेशन ये है कि 160 हंड्रेड uh, सिक्सटी सिक्सटीन इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने कोलाइब्रेट करके यहाँ पे या 34 कॉलेजेस को लाइब्रेरी बना के इन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई थी या एक नेटवर्क बनाया था ऑब्जेक्टिव्स वही सेम होंगे जो जो अभी हमने ऊपर रीजनल लाइब्रेरीज़ के नेटवर्कस को देखा वो सारे कुछ सर्विस प्रोवाइड कराएंगे ई जर्नल्स और ये सब चीज़ें यूनियन केटलाग बनाना एक्सपर्ट डाटा बेस बनाना नेक्स्ट हमारे पास मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क मद्रास की लाइब्रेरीज़ को मिलाकर बनाया गया एक लाइब्रेरी नेटवर्क होगा यहाँ पे देखिए नियरली 83 थ्री लाइब्रेरी इन मद्रास आर मेंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एक्टिवली मतलब मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क में लगभग अभी 38 एट लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क इस समय फंक्शन कर रहा है नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव सेम वही होंगे जो रीजनल लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्विसेज वही जो रीजनल लेवल के जो सेंटर्स होते हैं सॉरी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं वो कराने वो जो सर्विस देंगे वो सेम काम यहाँ पे ये यह मद्रास देगा इसी तरह से बॉम्बे बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क यानी बॉम्बे के जितने भी हमारे लाइब्रेरीज़ हैं उनको आ, उनका एक नेटवर्क बनाना वो बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क बन जाएगा ठीक है तो बस ये हमारे कुछ बेसिक रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क्स थे जिनके बारे हम में हमने जाना मेनली आपको यहाँ पे डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क और इनफिल्ड नेट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है या उसको बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है और बाकी ये रीजनल्स हैं तो आप चाहें तो लगभग लगभग सबका एक ही तरह का अगर आंसर लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इशू रिलेटेड हुए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स क्या क्या इशू आ सकते हैं देखिए आई का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई वर्क चाहिए यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए इंटरनेट चाहिए हार्डवेयर चाहिए सॉफ्टवेयर चाहिए तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लाइब्रेरी नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर पाएंगे ठीक है यहाँ पे टीचर्स को या जो यहाँ पे जो स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपरली देना सभी लोग इतनी ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होते हैं लाइब्रेरी में कंप्यूटर के साथ या हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के साथ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा कर इन चीज़ों को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं उनको एक सही डायरेक्शन में देकर सही जगह पे सही ट्रेनिंग देकर एक सही टाइम पर उनको वहाँ पहुँचाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक इशू होता है जब हम लोग लाइब्रेरी साइंस में नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ इशूज़ मतलब कि कुछ लिमिटेशनस कुछ प्रॉब्लम्स जो लाइब्रेरी नेटवर्क को बनाने में आते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लाइब्रेरी कंसोट्रिया इन इंडिया ये इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो फ्रेंड्स इसी वीडियो को आगे आप नेक्स्ट पार्ट इसका कंटिन्यू देखने के लिए आप लोग इसी प्ले में एक नई वीडियो आपको मिल जाएगी वो आप देख सकते हैं तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी कंसोट्रिया इन इंडिया वीडियोस फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच मिलते हैं इसी पार्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ